हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस के बारे में, जो कि है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये केस है दोस्तों डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री के बारे में। और इस केस के अंदर एक 5 जजेस बेंच थी, जिसमें कि जस्टिस मल्होत्रा, चंद्रचूड़, खानविलकर, नरीमन और दीपक मिश्रा थे। इस केस के अंदर कोर्ट ने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था बाई स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 497। अब चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सेक्शन 497 अडल्ट्री होता क्या। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि कोई भी इंसान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको कि वो जानता है या फिर रीजन टू बिलीव है कि वो किसी और इंसान की वाइफ है, बिना उसके कंसेंट के, बिना उस इंसान के कंसेंट के जिसकी वो वाइफ है, या बिना उसके कनाइवेंस के साथ, तो अगर ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंटिंग टू रेप नहीं है, तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो मैन है, वो अडल्ट्री के लिए लाइबल होगा और उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और फाइन और या फिर दोनों। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो वाइफ होती है वो पनिशेबल नहीं होती है एज अ एबेटर फॉर द क्राइम। मतलब जो वाइफ होगी जिसने कि ये ऑफेंस कमिट करा उस मैन के साथ, उसको ये नहीं माना जाएगा कि उसने उकसाया उस दूसरे आदमी को उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब चलिए इस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो देख लेते हैं, ताकि हम लोग ये समझ में आ सके कि ये सेक्शन काम कैसे करता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जरूरी ये है कि एक सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ हो एक मैरिड वुमन के बीच में और एक ऐसे मैन के बीच में जो कि उसका हस्बैंड नहीं है। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट यही है कि जो मैन है उसका जो सेक्शुअल इंटरकोर्स है वो मैरिड वुमन के साथ होना चाहिए, और उसको ये या तो पता होना चाहिए या फिर उसको एक रीजन होना चाहिए बिलीव का कि वो जो पर्टिकुलर लेडी है वो किसी और मैन की वाइफ है। उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट ये है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो उसकी कंसेंट के साथ होना चाहिए, मतलब वो रेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो ये है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो मैरिड वुमन के साथ टेक प्लेस करना चाहिए विदाउट द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ हर हस्बैंड। मतलब जो उसका हस्बैंड होगा अगर वो अपनी कंसेंट दे देता है तो फिर वहां पर एडल्ट्री का जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो अट्रैक्ट नहीं। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन 198 सीआरपीसी की, जो कि बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज की। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 497 के साथ रीडिंग किया गया था इस केस में। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये कहा गया है कि जो कोर्ट है वो तब तक किसी भी ऑफेंस को पनिशेबल नहीं मानेगी और उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी के अंडर, जब तक जो कंप्लेंट है वो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा ना की गई हो जो कि उस ऑफेंस के द्वारा अग्रीव्ड। उसके बाद सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो सबसेक्शन 1 के अंदर बातें लिखी हुई हैं वो किसी भी और पर्सन के जो होता है, कोई भी और पर्सन अदर देन द हस्बैंड ऑफ द वुमेन, उसको ही केवल माना जाएगा कि वो अग्रीव पार्टी है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, जो कि सेक्शन 497 या 498 के अंदर दिया हुआ है आईपीसी। मतलब हस्बैंड जो है उसके अलावा कोई और बंदा अग्रीव पर्सन नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड ये है कि अगर हस्बैंड वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन जिसके बिहाफ, जो हस्बैंड के बिहाफ पे वुमन का टेक केयर कर रहा था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस विद द लीव ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट उस चीज को अलाउ करता है तो वो अपने बिहाफ पे उस कंप्लेन को फाइल कर सकता है। अब इस बारे में बात करते हैं कि इस ऑफेंस का क्लासिफिकेशन क्या है। तो फिर ये जो ऑफेंस है दोस्तों ये नॉन कॉग्निजेबल है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट, और ये एक बेलेबल ऑफेंस भी है। उसके अलावा ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड है, जो वुमेन का हस्बैंड है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में ये क्राइम कमिट हुआ है, वो अगर चाहे तो वो उस इंसान के साथ जिसने कि वो क्राइम कमिट करा उसके साथ मिलके एमिकली भी अपना एक कॉम्प्रोमाइज ला सकता है और जो चार्जेस है कोर्ट उस चीज को ड्रॉप कर देगा। जो कोर प्रिंसिपल है इस ऑफेंस का वो ये है कि जो मेल ऑफेंडर है वो केवल अकेले इस पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए लाइबल है, जिसमें कि मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो उसने करा उसके लिए वो लाइबल है, और ये जो थर्ड पार्टी है मतलब जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ, उस पर्सन के अगेंस्ट में वो क्राइम हुआ और जो करने वाला बंदा था वो इंसान जिसने कि उस वुमेन को एक तरीके से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जिस इंसान ने करा। उसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो एक आदमी के और एक मैरिड वुमन के बीच में हुआ है, जिसमें कि जो हस्बैंड है या तो उसकी कंसेंट, या अगर मान लीजिए वो किसी ऐसे अनमैरिड वुमन के साथ अगर वो मतलब काम करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, या फिर किसी विडो के साथ अगर वो एक्ट करता है
तो उसको अडल्ट्री नहीं माना जाएगा, क्योंकि मतलब मान लीजिए हस्बैंड ने कंसेंट दे दी तो वहां पे कोई केस बनता ही नहीं है, और उसके बाद अगर अनमैरिड वुमेन है तो उसकी उसकी शादी नहीं हुई, और अगर मान लीजिए विडो तो उसका पति जिंदा नहीं है, तो ऑफेंस बनेगा नहीं। और उसके बाद सेकेंड बात यह है कि जो ऑफेंस है उसके अंदर जो मेल ऑफेंडर है उसको ये बात जरूरी नहीं है कि पता हो कि वो किस इंसान की पत्नी है, कि वो ए की पत्नी है कि वो बी की पत्नी है, उसको केवल इतना पता होना चाहिए कि वो जो औरत है वो मैरिड है। मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे मेन। चलिए अब उन इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग को जोसेफ स्टैंड डिसीजन को समझने में काम आएगा। सबसे पहला केस है यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इसके अंदर मिस्टर अब्दुल जो थे उनको अडल्ट्री के लिए ट्रायल पर रखा गया, और उन्होंने सेक्शन 497 को इसलिए चैलेंज करा कि उनको लगता था कि वो सेक्शन आर्टिकल 14 के वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस हारने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करा। वहां पर उन्होंने कहा कि जो इक्वालिटी कंसेप्ट है आर्टिकल 14 और 15 के अंदर वो सेक्शन 497 के थ्रू वायलेट होता है, ये अज्यूम करते हुए कि जो ऑफेंस है अडल्ट्री का वो केवल आदमी के द्वारा कमिट किया गया है, और वहां पे जो अडल्टरस वाइफ है जिसने कि उस आदमी के साथ मिलकर वो काम करा उसको पनिश ही नहीं किया जा रहा है, नॉट इवन एज अ एबेटर, कि उसने उस इंसान को उकसाया या भड़काया वो पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए। उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो वुमेन है उनके पास ये पूरा पूरा लाइसेंस है कि वो अडल्ट्री कमिट करे विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पे हाउएवर कोर्ट ने ये बोला कि जो रिस्ट्रिक्शंस है इस पर्टिकुलर सेक्शंस में उनके अंदर जो पूरा क्लॉज है वो कोई रिस्ट्रिक्शन रीड नहीं कर पा रहे, और उसके अलावा ये इस बात से अग्री करते हैं कि जो प्रोविजन है वो यहाँ पे कोई ऐसा रीजनेबल लाइसेंस देता है किसी वुमेन को कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसकी कि पनिशमेंट के लिए प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इटसेल्फ। कोर्ट का बेसिकली यहाँ पे ये कहना था कि जो आर्टिकल 15 है जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रेस कास्ट सेक्स रिलीजन के, जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है वो स्पेशल प्रोविजन की बात करेगा वुमेन और चिल्ड्रन के, उसके अंडर वुमेन को एक्सेप्शन मिला हुआ है। यहाँ पे कोर्ट ने यूनानिमसली थ्रू जस्टिस विवियन जोसेफ यही डिक्लेयर करा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है यहाँ पे एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है वुमेन को। कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 497 है वो ना तो आर्टिकल 14 के 15 के ना 21 के वायलेटेड ऑन द ग्राउंड की जो आदमी है केवल उसने ये ऑफेंस करा, और जो वाइफ है उसने जो है अडल्ट्री के लिए जो ऑफेंस है उसके उसको लाइबली नहीं माना गया। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जो वाइफ है उसको परव्यू के अंदर सेफ किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के, और जो सेक्स है वो एक रीजनेबल और साउंड क्लासिफिकेशन है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो स्टेट है वो वुमेन को अलग से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पे एक स्पेशल रीजनेबल क्लासिफिकेशन बनाया जा सकता है सेक्स का। उसके बाद जो दूसरा केस है वो है सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस के अंदर ये कंटेंट किया गया सेक्शन 497 आर्टिकल 14 के वायलेशन में है, और ये कहा गया कि जो क्लासिफिकेशन है वो अनरीजनेबल है इस सेंस में। यहाँ बेसिकली तीन सेंस दिए गए। जो पहला सेंस है वो ये है कि ये बेसिकली हस्बैंड को तो राइट देता है कि वो जो अडल्टरर है उसको प्रोसिक्यूट कर सके, लेकिन जो वाइफ है मान लीजिए उस वाइफ के हस्बैंड ने किसी दूसरी वुमेन के साथ मान लीजिए अडल्ट्री कमिट करी, तो जो वाइफ है वो उस वुमेन के अगेंस्ट में जो है केस नहीं फाइल कर सकती, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। जो दूसरा सेंस है वो ये है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी जो है केस फाइल नहीं कर सकती अडल्ट्री कमिट करने के लिए। और जो तीसरा सेंस है वो ये है कि जो हस्बैंड है अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है किसी अनमैरिड वुमेन के साथ तो वहां पर उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, केवल मैरिड वुमेन के केस में लाइसेंस ठहराया जाएगा, और इसीलिए ये बेसिकली हस्बैंड को फ्री लाइसेंस देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए अनमैरिड वुमेन के साथ। यहाँ पे जो तीसरा आर्गुमेंट है उसके अंदर ये भी कहा जा सकता है कि अगर हस्बैंड के पास ये लाइसेंस है कि वो अनमैरिड वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकता है तो जो वुमेन है उसके पास भी एक लाइसेंस है कि वो ऐसे अनमैरिड मेन के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती है। तो दोनों ही केसेस में हस्बैंड को और वाइफ को अनमैरिड लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए बिल्कुल रोका नहीं गया है। तो अब चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में। सुमित्री केस में ये कहा कोर्ट ने कि जो बेसिकली वो है वो ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं पाते हैं आर्टिकल 14 के या 15 के वायलेशन में थ्रू सेक्शन 497 जो कि डिजेबल करती है वुमेन को कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से इन द एक्ट ऑफ अडल्ट्री। कोर्ट ने यह कहा कि जो कंसेंट ऑफ वुमेन है सेक्शन 497 में उसका कोई रेलिवेंस नहीं बनता है। अगर इंसान है और उसने अगर वो काम करा तो बेसिकली उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे वुमेन की कंसेंट थी या नहीं थी इट इज इमटीरियल। जो प्रोविजन्स हैं
वो फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी, जो क्लासिफिकेशन है उसको बिटवीन मैन और वुमेन को बिल्कुल भी वो कॉन्ट्रवीन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि जो मैन होता है केवल वो सीड्यूसर होता है, वुमेन कभी भी जो है सीड्यूसर नहीं होती है। इस पोजिशन को उन्होंने कहा कि ये बहुत साल लगेंगे चेंज होने में, बट ये लेजिस्लेचर का काम है कि वो ये देखे कि सेक्शन 497 को प्रॉपरली जो है अमेंड किया गया है, और यहाँ पे ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो जो है सेक्शन 497 के अंदर चेंजेस करे या उसको और मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे दूसरे आर्टिकल्स के। उसमें लेजिस्लेचर को यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एज जैसे जैसे सोसाइटी चेंज करी उसके हिसाब से। कोर्ट ने फर्दर ये ऑब्जर्व करा कि जो प्रोविजन है वो बेसिकली वाइफ को ये पावर देती है कि वो हियरिंग के अंदर पार्ट आ सके सेक्शन 497 के, जो कि तब भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बनाता है आर्टिकल 21 की, क्योंकि वाइफ के पास ये पावर बिल्कुल नहीं है कि सेक्शन 497 के अंदर वो बेसिकली अपनी राय रख सके केस के अंदर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि जो मैरिड वुमेन है वो अपने प्रोपोजिशन को जस्टिफाई नहीं कर सकती, वो अपना आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकती है अगर वो कोर्ट में एप्लीकेशन मेक करती है उस इफेक्ट में, और कोर्ट अगर उस चीज को अलाउ करता है तो वुमेन जाके वहां पे बेसिकली अपनी गवाही दे सकती है कि क्यों उसने अडल्ट्री, जो आदमी उसने अडल्ट्री क्यों नहीं कमिट करी, जिसके साथ उसने अडल्ट्री कमिट करी थी उसने क्यों नहीं करी। अब चलिए सीरीज के तीसरे केस के ऊपर आते हैं, जो कि है वी रेवाथी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर जो पिटिशनर था उसने वही आर्गुमेंट प्रेजेंट करा जो कि अभी हम लोगों ने सुमित्री केस में देखा था। इसके अंदर जो जजमेंट था उसके अंदर कोर्ट ने सेक्शन 497 अलॉन्ग विद सेक्शन 198 क्लॉज 3 को कंसिडरेशन में लेते हुए ये कहा कि ये दोनों सेक्शन एक लेजिस्लेटिव पैकेज है जो कि डिजाइन है किसी भी ऐसे ऑफेंस जो कि कमिट किया जाता है किसी आउटसाइडर के द्वारा जो कि किसी मैट्रिमोनियल यूनिट को इन्वेट करता है, उसकी प्रिवेसी को और उसके पीस को तोड़ता है और उसको पॉइजन करता है उस रिलेशनशिप को दोनों पार्टनर्स के बीच में। वो पर्टिकुलर जो क्राइम है उसके अगेंस्ट में ये पैकेट जो है डिजाइन किया गया डील करने के लिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बेसिकली दोनों जो स्पाउसेस होते हैं हस्बैंड और वाइफ उनको एक दूसरे को क्रिमिनल लॉ का वेपन के तौर पे हम लोग नहीं दे सकते हैं हिट करने के लिए एक दूसरे को, कि अगर वाइफ एक केस फाइल कर रही है तो अगर हस्बैंड के पास राइट है वो भी फाइल करेगा, फिर दोनों एक दूसरे को एक लीगल बैटल में ही एंगेज करते रहेंगे। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा कि 497 वायलेटिव नहीं है। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि जोसेफ शाइन केस के अंदर कोर्ट को डील करने थे। जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि क्या सेक्शन 497 एक एक्सेसिव पीनल प्रोविजन है जिसको कि डिक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है, मतलब इसको स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत है। दूसरा इसमें इशू ये है कि क्या जो एग्जेम्पशन ग्रांट किया गया है मैरिड वुमेन को सेक्शन 497 में वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। जो तीसरा सेक्शन है इसमें इशू है वो ये है कि क्या सेक्शन 497 जेंडर न्यूट्रल है बाय इंक्लूडिंग वुमेन एज अ ऑफेंडर, कि वुमेन को अगर आप ऑफेंडर की तरह इंक्लूड इसमें कर देते हैं कि जो उनके पास राइट है कि वो केवल अबेटर के तौर पे भी नहीं उनको माना जाएगा, क्या उसको इंक्लूड करने की जरूरत है बाय मेकिंग जेंडर न्यूट्रल। अब चलिए इस केस के पहले थोड़े से जजमेंट की ओर आते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या। इसके अंदर 4 कंकरिंग ओपिनियंस आई थी एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जिसमें कि जस्टिस दीपक मिश्रा ने ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिस खानविलकर एक ओपिनियन दिया, जस्टिस नरीमन ने, चंद्रचूड़ ने और जस्टिस मल्होत्रा ने जो है अपने अपने उन्होंने यूनानिमसली जो है उन्होंने सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन करा। इसके अंदर मिस्टर जोसेफ शाइन जो थे जो कि एक नॉन रेजिडेंट केरलाइट थे उन्होंने एक PIL फाइल की आर्टिकल 32 के अंदर, और उन्होंने सेक्शन 497 को चैलेंज करा रेड विद सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ CRPC। उन्होंने इसके बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल करी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने उसमें देखी। उन्होंने ये देखा कि जो पहले के 3 केस हमने डिस्कस किए उनकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, और इसको पहले एक 3 जजेस बेंच के पास भेजा गया था जस्टिस दीपक मिश्रा जिसके हेड थे, और उसके बाद उस बेंच ने इसको एक 5 जजेस बेंच के पास भेजा कॉन्स्टिट्यूशनल, और उन्होंने ये नोट करा कि प्राइमा फेसाई जो पेरूजल है सेक्शन 497 का उसके अंदर जो वाइफ को रिलीफ ग्रांट की जाती है बाई ट्रीटिंग हर अ विक्टिम, वो चीज़ कहीं ना कहीं सही है, उसको एज अ विक्टिम ही हमको ट्रीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ भी हमें नोट करने की ज़रूरत है कि जो ऑफेंस कमिट हुई है वो दोनों के जरिए कमिट हुई है, और केवल एक को क्या हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस के लिए लाइबल मानेंगे, दूसरे को क्या हम लोग एब्जॉल्व कर देंगे, क्या ये चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ऑर्डिनरी बेसिकली लॉ होता है क्रिमिनल लॉ वो जेंडर न्यूट्रल होता है, उसके अंदर चाहे वुमेन हो चाहे मैन को दोनों को बराबर पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि ये कंसेप्ट एब्सेंट है। उसके बाद 11 जुलाई को सेंटर ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने एक एफिडेविट फाइल करी ये आर्ग्यू करते हुए कि अगर हम लोग एडल्ट्री को डाइल्यूट करेंगे तो वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा पूरी चीज़।
उसके बाद जो फाइव जजेस बेंच थी उसने 1 अगस्त 2018 से लेकर 27 सितंबर 2018 तक सारे के सारे अपने आर्ग्यूमेंट सुने और उसके बाद उन्होंने अपना जजमेंट डिलीवर किया। अभी चलिए इसको देखते हैं कि जजमेंट में बेसिकली हुआ क्या था। तो यहाँ पे जो बेसिकली सेक्शंस था उसको आर्टिकल 14, 15 और 21 के वायलेटिव डिक्लेयर करते हुए ये कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो आर्केइक है, मतलब पुराना है, और पैटर्नलिस्टिक है, मतलब वो काफ़ी पुरुषवादी एक लॉ है जिसको कि वुमेन की ऑटोनॉमी और डिग्निटी को इन्फ्रिंज करने वाला कहा जा सकता है। बेंच ने ये कहा कि सेक्शन 198 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसको भी हम लोग को रीड डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हस्बैंड है केवल वही इसके अंदर चार्जेस फाइल कर सकता है 497 के अंदर, और ये चीज़ बेसिकली नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने जितने भी जजमेंट्स थे सुमित्री मिश्रू वाले, वी रेवती वाले और अब्दुल अजीज वाले, उनको उन्होंने सबको जो है ओवरूल कर दिया, क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर बेसिकली 497 को अपहोल्ड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, उन्होंने सब चीज़ों को ओवरूल कर दिया। यहाँ पे चार कंकरिंग ओपिनियंस थे। तो सबसे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा का ओपिनियन देखते हैं, जो कि उन्होंने अपने बिहाफ पे और जस्टिस खानविलकर के बिहाफ पे दिया था। उन्होंने सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन करते हुए ये बोला कि सेक्शन 497 डिस्क्रिमिनेट करता है वुमेन के अगेंस्ट में, उनको इंडिग्निटी और इनइक्वालिटी से ट्रीट करता है। उन्होंने ये कहा कि वो लीगल सबॉर्डिनेशन एक तरीके से प्रोवाइड करता है एक सेक्स के लिए दूसरे सेक्स के ऊपर, जो कि इटसेल्फ एक रॉन्ग है कि एक सेक्स दूसरे सेक्स को डोमिनेट नहीं कर सकता। उन्होंने ये कंक्लूड करा कि सेक्शन 497 आर्टिकल 14, 15 और 21 के वायलेटिव है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा जो प्रोसीजर है फाइलिंग का, कंप्लेंट का, अडल्ट्री का, वो एक सस्टेंसिव प्रोविजन है जो कि प्रोसीजर के साथ जाता है, और बेसिकली वो भी वही सेम पाथ में बेसिकली चला जाता है जिसमें कि 497 जाता है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लोगों को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। जेंडर न्यूट्रलिटी बोलते हुए सीजीआई मिश्रा ने यह कहा कि कोर्ट इस चीज को बिल्कुल नहीं फर्दर अलाउ कर सकती है कि वुमेन को जो है मैन की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाए। उन्होंने इस चीज पे एम्फसाइज करा कि जो कोर्ट है वो एक प्रोग्रेसिव ज्यूरिसप्रूडेंस को मारती है, जिसमें कि लिबर्टीज को और जो रिसेंट जजमेंट्स आए हैं उसके अंदर जो सेवरल वुमेन राइट्स की बात की गई है उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए ये चीज बोला, जहाँ पे उन्होंने जस्टिस नरीमन के जो ओपिनियन था ट्रिपल तलाक में उसको भी कंसिडरेशन में रखा, क्योंकि ट्रिपल तलाक के अंदर भी जो केस था उसके अंदर वुमेन के सपोर्ट में चीज़ें बोली गई हैं। उन्होंने ये हेल्ड करा कि सेक्शन 497 आर्टिकल 14 के वायलेटिव है ये स्टेट करते हुए कि वो मैनिफेस्टेडली आर्बिट्ररी है पूरी तरीके से, और वो एक एक्सेसिव और डिसप्रोपोर्शनेट डिस्टिंक्शन पैदा करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स का। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल ही अलाउ करेगी कि वुमेन जो है वो हस्बैंड के मास्टर के तौर पे देखा जाए हस्बैंड को, जो कि स्टेटेड बुक्स के अंदर अभी तक कहीं ना कहीं दर्ज है कि हस्बैंड वुमेन का मास्टर होता है। उन्होंने कहा कि वुमेन को उनकी राइट टू इक्वालिटी को आप डिप्राइव नहीं करेंगे, जो पूरा बेसिकली एक वो था आपका इंटेंशन था सेक्शन 497 को रखने का, वो यही था कि जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं केपेबल नहीं है अडल्ट्री कमिट करने के, केवल मैन केपेबल है, इसीलिए वहाँ पे हस्बैंड को एक पावर दी गई थी कि वो वुमेन के ऊपर कैसे काबू रख सके दूसरे मैन को पनिश करके। जस्टिस मिश्रा ने उसी चीज़ के बारे में बात की है। यहाँ पे सीजे मिश्रा ने उसके बाद ये कहा कि सेक्शन 497 आर्टिकल 21 के भी वायलेटिव है। आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी और डिग्निटी को गारंटी करता है, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं वाइफ का मोनार्क नहीं है, उसका राजा नहीं है। यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है 497, जो कि विमेन की डिग्निटी को कर्टेल करता है और उनकी जो ऑटोनॉमी होता है उसको बहुत ही सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए ये आर्टिकल 21 के सीधे सीधे वायलेटिव है। उन्होंने कहा कि जो अडल्ट्री है वो एक सिविल रॉन्ग है पर क्रिमिनल ऑफेंस वो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो ऐसे एक्शंस को नहीं क्रिमिनलाइज करेगा जहां जो कि प्राइवेट रेल्म में हो रही है मैरिज, क्योंकि जो मैरिज है वो एक प्राइवेट चीज़ है, वो एक सिविल रॉन्ग हो सकता है लेकिन उसको क्रिमिनल आप नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि जो अडल्ट्री है वो एक क्राइम है और वो रिमेन कंसिस्टेंट करता है, बेसिकली नहीं करता है किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स से, जो कि प्रीवियस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे कि सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और कॉमन कॉज जो केस था उसके अंदर। उन्होंने ये कंक्लूड करा कि अगर हम लोग अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करेंगे तो वो एक रिग्रेसिव स्टेप होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे हम लोगों ने देखा नवतेज सिंह जौहर केस में कि LGBTQ कम्युनिटी को राइट मिला, तो उस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए हम लोग को इस कानून को कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन करने की ज़रूरत है।
उन्होंने एट लास्ट डिस्टिंक्शन करा बिटवीन सेक्शन 497 आईपीसी और सेक्शन 498 ए बाइगमी के बीच में। उन्होंने ये स्टेट करा कि जो 498 ए है वहां पे जो पर्संस हैं वो हस्बैंड या उसके अलावा और भी पर्संस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो वुमेन होती हैं इन्वॉल्व जो कि साइमल्टेनियसली हस्बैंड मैरी कर लेता है, वहां पे स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत है ऐसे मैटर्स में। लेकिन ऐसे मैटर्स जहां पे केवल प्रिवेसी का वायलेशन होता है मैट्रिमोनियल स्पीयर में, वहां पे स्टेट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बाय कॉन्ट्रास्ट जो क्रिमिनलाइजेशन है 497 का, वो होगा एक एक्सट्रीम इंट्रूजन प्रिवेसी का और वो इटसेल्फ एक ऐसा क्राइम है जो कि अनवारंटेड है लॉ के अंदर, लेकिन स्टेट उसको जो है नहीं बेसिकली इंट्रूजन कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस नरीमन के ओपिनियन के बारे में। जस्टिस नरीमन ने एक सेपरेट ओपिनियन में जो कि उन्होंने कंकरिंग ओपिनियन दिया जस्टिस मिश्रा के साथ, उन्होंने सेक्शन 497 को स्ट्राइक करा एज अ वायलेटिव आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 21 के। यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेक्शन 198 क्लॉज 2 जो है सेम ग्राउंड्स के ऊपर वायलेटिव है उस पर्टिकुलर चीज के, और उन्होंने कहा कि जो नेचर है सेक्शन 497 का वो एक पैटर्नलिस्टिक नोशन के ऊपर है कि जो कि वुमेन जो है एज अ चैटल है मेन के, एक बहुत ही पुरुषवादी समाज के नोशन के हिसाब से बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुमेन एज अ चैटल। उन्होंने यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करा बाइगमी के बीच में अडल्ट्री के बीच में, ये बोलते हुए कि जो फॉर्मर है वहां पर बाइगमी के लिए एक पर्सन को वो किया जा रहा है, लेकिन जो अडल्ट्री है उसका प्रेमिस था बेसिकली मैन के प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट को बचाने के लिए किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, इसीलिए उसमें और इसमें यही बेसिकली डिफरेंस है कि वहां पे मैन को एक स्पेशल पावर दी जा रही है वुमेन के अगेंस्ट में। यहाँ पे जस्टिस नरीमन ने इस बात पे एम्फसाइज करा कि सेक्शन 497 एक आर्काइक लॉ है जो कि अपना पर्पस बहुत पहले ही आउटलिव कर चुका है। उन्होंने ब्रीफली जो बैकग्राउंड ऑफ 497 का उसको उन्होंने देखा कि क्यों उसको लाया गया, उसके पीछे रैशनल क्या था, उन्होंने फिर उसका सोशल बेसिस देखा कि ये क्यों एक आर्काइक लॉ है, क्यों इसको एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इस बात पे एम्फसिस करा कि जो वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं वो अगर हस्बैंड कंसेंट के साथ किए जा रहे हैं तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मेक करेंगे 497 में, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है क्योंकि अगर हस्बैंड ने कंसेंट दे दी तो भी वाइफ कैसे उस चीज़ को कर सकती, ये कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी होगा। उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो एक फ्यूडल और पैटर्नलिस्टिक हिसाब से चल रहा है बेसिकली जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है उसको देखते हुए, कि वो बहुत ही पुरानी रूढ़ीवादी सोच को देखते हुए है और इस चीज़ को हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है कि हम लोग वुमेन के स्टेटस को ना तो डिमीन करें ना डिग्रेड करें, और जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन मॉडर्न वाली उसके साथ हम लोग फाउल प्ले ना करते हुए इस चीज़ को चले और हम लोग इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन करें, इट इज़ अ मस्ट। उसके बाद करते हैं बात जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने अपने फादर के जजमेंट को ओवररूल करा है। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने मेजोरिटी ओपिनियन के साथ कंकर करते हुए ये बोला कि सेक्शन 497 जो है स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है इसलिए आर्टिकल 14 को 15 को और 21 को ही वायलेट करता है। उन्होंने अकॉर्डिंगली ये बोला कि सेक्शन 198 क्लॉज 2 भी जो है उसको भी हम लोगों को स्ट्राइक डाउन करने की ज़रूरत है। फर्दर उन्होंने ये बात कही कि जो सेक्शन है वो एक पैट्रियारिकल नोशन में कहीं ना कहीं है रूढ़िवादी वही पुरुषवादी सोच में, और कहीं ना कहीं एक सेंचुरीज जो ओल्ड ट्रेडिशन चलता आया है विमेन को सब्जुगेट करने का या ऑपरेस करने का, ये कहीं ना कहीं उसी का एक रिलिक है एक तरीके से। फिर जब क्वेश्चन आया आर्टिकल 14 के वायलेशन का, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये हेल्ड करा कि जो एबिलिटी होती है मैरिज के अंदर चॉइसेस मेक करने की वो हर एस्पेक्ट में हम लोग कंसर्न बेसिकली देखने की ज़रूरत है, और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड वैल्यू होती है लिबर्टी की उसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 497 है वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी को कहीं ना कहीं वायलेट करता है बाई डिनाइंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू बोथ पार्टीज टू अ मैरिज, कि आप एक पार्टी को राइट दे दे रहे हैं कि वो उस मतलब दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, लेकिन आप वुमेन को नहीं राइट दे रहे हैं कि अगर उसका पति कोई ऑफेंस करे तो आप उस बेसिकली वुमेन को राइट देने कि वो अपने पति के अगेंस्ट में केस फाइल कर सके, ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है, केवल मेन को राइट क्यों दिया गया। उन्होंने ये स्टेट करा कि सेक्शन 497 मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 497 का जो पर्पस था वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रिजर्व करना था, लेकिन इसका जो मैनर है वो कहीं ना कहीं वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करता है। ऑब्जेक्टिव ठीक था लेकिन डिस्क्रिमिनेट करता वुमेन को, इसलिए सही नहीं हो सकता। फिर उन्होंने नवतेज सिंह जौहर में जो जजमेंट था उसके ऊपर रिलाय करते हुए ये बोला कि जो सेक्सुअल प्रिवेसी है, सेक्सुअल प्रिवेसी वो एक नेचुरल राइट है और फंडामेंटल लिबर्टी है और सोलमेट है डिग्निटी का। तो अगर नवतेज सिंह जौहर के अंदर हम लोगों ने प्रिवेसी को नहीं उसमें रखा तो क्या ये सही होगा कि हम लोग 497 के अंदर
उस चीज को रखें प्रिवेसी को, और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली ब्लेटेंट वायलेशन है इनिशिएटेड राइट्स का। उन्होंने फर्दर ये कहा कि सेक्शन 497 ये अज्यूम करके चलता है कि जो कंसेप्शन ऑफ मैरिज है वो बेसिकली डिप्राइव्ड है वुमेन की ऑटोनॉमी के, ये बेसिकली वो मान के चलता है सेक्शन 497 की, उसमें वुमेन को ऑटोनॉमी नहीं है, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के वायलेशन में है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 497 का जो अटेम्प्ट है वो प्रिजर्व करना है वुमेन की फिडेलिटी को बेस्ड ऑन अजम्पशन की जो वुमेन है वो अपनी सेक्सुअलिटी को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बाय एंटरिंग अपॉन मैरिज। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप अडल्ट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करेंगे, और सेक्शन 497 उसी फिडेलिटी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। उन्होंने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिसको कि आप ग्राउंडेड इन या परपेचुएट मानेंगे किसी स्टीरियोटाइप के साथ या जेंडर के साथ, और ये सेक्शन 15 क्लॉज 1 के वायलेटिव होगा। उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि सेक्शन 497 को कोडिफाई किया गया था पैट्रियारिकली, मतलब जो पुरुषवादी सोच है उसके हिसाब से उसको कोडिफाई किया गया था, इसलिए उनको ने कंक्लूजन में यही कहा कि जेंडर स्टीरियोटाइप एक तरीके से एंट्रेंस्ड है सेक्शन 497 में, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उसमें कोई उसकी प्लेस नहीं है। उसके बाद जब बात आती है प्रिवेसी की और राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 की, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सेक्शन 497 को फिर क्रिटिसाइज करा ये कहते हुए कि जो वुमेन की एजेंसी है, ऑटोनॉमी है और जो डिग्निटी है उसको कहीं ना कहीं ये वायलेट करता है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 497 एक ऐसे दोषी में फाइंडेड अपॉन है कि जो वुमेन है जब वो मैरिज एंटर करती है तो वो हस्बैंड के सब्जेक्ट है, और जितना उसकी सेक्शुअल ऑटोनॉमी और डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं हस्बैंड की ऑटोनॉमी से कहीं ना कहीं सीडेड है, कि जब तक उसको हस्बैंड अलाउ करेगा तभी तक उसकी सेक्शुअल ऑटोनॉमी रहने वाली है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस आर्गुमेंट को भी डिसमिस कर दिया कि सेक्शन 497 को एक ट्रिमिनल स्टेट्यूट के तौर पर रहना चाहिए क्योंकि स्टेट के पास ये लेजिटिमेट पावर है कि वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट कर सके। उन्होंने नवतेज सिंह जौहर के अंदर जो प्रिंसिपल्स थे उसको अप्लाई करते हुए ये बोला कि एक साउंड और रैशनल नीड होती है किसी प्रोविजन के लिए कि वो क्रिमिनल स्टेट्यूट में रह सके, अगर ये आपके पास साउंड या रैशनल नीड नहीं तो वो नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि सेक्शन 497 जो है एक मैरिटल सबॉर्डिनेशन के नोशन के ऊपर बेस्ड है कि जो मेन है वो वुमेन के ऊपर कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे, जो कि नाइदर साउंड है ना ही रैशनल है और फर्दर इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। उन्होंने कहा कि जो अंडरलाइंग अजम्पशन है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ की सेक्सुअलिटी का ओनर है, ये एक बहुत ही पुरानी डीप पैट्रियार्कल सोच का ही नतीजा है, और उन्होंने ये कंक्लूड करते हुए कहा कि ये मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है और उसका जो ट्रू इंटेंट है वो मैन के ऊपर, जो मैन के पास जो कंट्रोल है वुमेन की सेक्सुअलिटी के ऊपर उसका वही ट्रू इंटेंट है, और इस चीज़ को हम लोग हटाने की जरूरत है। इसके बाद चलिए बात करते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा के व्यू के बारे में। जस्टिस मल्होत्रा ने यहाँ पे जस्टिस मिश्रा की बात के साथ कंकर करते हुए ये बोला कि सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत है आर्टिकल 14, 15 और 21 के। जस्टिस मल्होत्रा ने ये स्टेट करा कि जो सेक्शन 497 है वो आर्काइक नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है और वो वुमेन के फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी और ऑटोनॉमी और डिग्निटी को वायलेट करता है। उन्होंने स्टेट करा कि द टाइम्स व्हेन वाइव्स वर इनविजिबल इन द आईज ऑफ लॉ, कि कहीं ना कहीं इन द आईज ऑफ लॉ जो वाइव्स है वो इनविजिबल है और जो बेसिकली वो सबॉर्डिनेट है हस्बैंड्स के वो बहुत लॉन्ग पास्ट है, उसका बिल्कुल टाइम निकल चुका है। उन्होंने इस बात पर एम्फसाइज करा कि जो लॉ है वो वुमेन को नहीं डिनाई कर सकता इक्वल स्टेट ऑफ सोसाइटी के अंदर। उन्होंने सेक्शन 198 क्लॉज 2 को रीड करते हुए जो उनका एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी था उसको उन्होंने कहा कि सेक्शन 497 के साथ ही इसको रीड डाउन करने की जरूरत है और इसको भी हम लोग कहना कि स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा कि दोनों एक ही साथ कंकरेंस में प्ले करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जो अडल्ट्री है वो एक सिविल ऑफेंस है और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अडल्ट्री है वो मॉरली रॉन्ग है और उसमें उन्होंने ये कहा कि हेल्ड इटसेल्फ वो सफिशियंट नहीं है कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा जा सके। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसके पास ऐसी लेजिटिमेट पावर नहीं है कि वो अडल्ट्री को क्रिमिनाइज कर सके, लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है स्टेट का, और उन्होंने ये कहा कि जो अडल्ट्री है वो नेगेटिवली इंपैक्ट डालेगी सोसाइटी के ऊपर टू द एक्सटेंट कि वो अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस रहती है तो, क्योंकि वो वुमेन कहीं ना कि हस्बैंड को ज़्यादा पावर देगी वुमेन के ऊपर। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये स्टेट कहा कि सेक्शन 497 को स्ट्राइक डाउन करने की जरूरत है एंटायरिटी में, साथ ही साथ सेक्शन 198 क्लॉज 2 का टू दी एक्सटेंट कि वो एप्लीकेबल है अडल्ट्री केसेस के वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में लाइक करिए और सर्कुलेट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
और अगर आपको और वीडियोस ऐसे देखने हैं तो प्लीज संभव लॉ को सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।